दोस्तों, हांगकांग की टीम के खिलाफ भारत को मिली शानदार जीत से पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका, तो वहीं बांग्लादेश और श्रीलंका की उम्मीद पर भर गया पानी। जी हां दोस्तों, भारत और हांगकांग के बीच एशिया कप का चौथा मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम इतिहास में पहली बार हांगकांग के खिलाफ T20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। तो इस मुकाबले में विरोधी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से अंत में सूर्य कुमार यादव ने तहलका मचाते हुए विराट कोहली की पारी का सम्मान कर विरोधी टीम के सामने 192 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों पर 6 चौके और 6 छक्के की मदद से 68 रन, तो वहीं विराट कोहली ने 44 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 59 रनों की नाबाद पारी खेले। और इसके बाद जब 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हांगकांग की टीम उतरी तो हांगकांग की टीम ने पावर प्ले में ही अपने 2 विकेट गंवा दिए और भारत इस मुकाबले को आराम से जीत गई। तो वहीं इस शानदार जीत के बाद भारत ने अपने दोनों मुकाबले जीतकर 4 अंक के साथ सुपर 4 में जगह बना ली है और अपने ग्रुप में टेबल टॉप किया है, और 2 जीत के साथ भारत ने सुपर 4 में अफगानिस्तान के बाद अपनी जगह बना ली है, और अब सुपर 4 में अफगानिस्तान के बाद भारत पहुंच चुकी है। तो वहीं कल बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मुकाबले में जो भी विजेता होगा वो सुपर 4 में जाएगा, और इसके अलावा परसों पाकिस्तान और हांगकांग के बीच मुकाबले में भी जो विजेता होगा वो सुपर 4 में जाएगा, और बाकी हारने वाली टीम का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सुपर 4 में भारत और अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी 2 टीमें शामिल हो सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।